Hi, this is Neeraj Garg and you're watching class 10th chapter 5 arithmetic progression. And a manufacturer of TV sets produced 600 sets in 3rd year and 700 sets in 7th year. Assuming that production increases uniformly by a fixed number every year, find the production of 1st year, production of 10th year and the total production in 1st 7 years. तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो गिवन है दैट इज A3, ये 600 है, और 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर, तो ये हो गया A7, दैट इज इक्वल टू 700। अब हम इन्हें देखते हैं A3 का फॉर्मूला क्या होगा। देखो An का फॉर्मूला होता है A+N-1D, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास A+2D, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 600। A7 ये हमारा हो गया A+6D, दैट इज इक्वल टू 700, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को माइनस करेंगे, लीनियर की तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। ए से कैंसिल, माइनस के 4D दैट इज इक्वल टू माइनस के 100, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और D की वैल्यू आ गई 25, ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब हमने निकाली है ए की वैल्यू, 1 में पुट कर देते हैं, तो A+2D, तो 2 × 25 दैट इज इक्वल टू 600। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 600 − 50, तो A आ गया हमारे पास 550, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का ही तो आंसर आ गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है A10 ईयर्स में, ठीक है। फॉर्मूले में डाल देते हैं, A हमें दिया है 550 + 90 हो जाएगा, A10 का मतलब 90, ठीक है ना। तो 9 × D है 25, सो ये आ गया हमारे पास 550 + 9 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। So, A10 आ गया हमारे पास 775, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे हमसे पूछा गया है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, S7 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, और हमें निकालना है S7, ठीक है। तो 7/2 और A हमें गिवन है दैट इज 550, तो 2 × 550 + n हमें गिवन कितना है 7 − 1, और D है हमारे पास 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 7/2 एंड दिस इज 1100 + 6 × 25, मतलब कि 150। नाउ 7/2 और ये हमारा ऐड होकर आ जाएगा 0521, ठीक है। इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 625, और 7 को हम 625 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 4375 S7। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया कि फर्स्ट 7 इयर्स के बाद जो टोटल प्रोडक्शन हुई दैट इज 4375। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ हमारा आंसर, पहला ये दिस वन, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन थी 550, 10th ईयर में जो प्रोडक्शन थी दैट इज 775, और टोटल 7 इयर्स के बाद जो प्रोडक्शन थी, टोटल प्रोडक्शन वो थी 4375। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।